प्यारे बच्चों, सेवन्थ की साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने सीखा कि किस प्रकार विद्युत धारा हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसमें हमने कुछ विद्युत उपकरणों को विद्युत धारा के परिपथ में जोड़ने पर उन्हें गर्म होते देखा था। इनमें इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, गीजर और हेयर ड्रायर की कार्यविधि को हमने समझा भी था। हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा सर्किट में आ जाने से विद्युत फ्यूज का तार टूट जाता है और आग लगने की घटना से हमें बचाता है। इसमें हमने MCBs मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को देखा और समझा था। आज के सत्र में हम इलेक्ट्रिक करंट के इन्हीं मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे और समझेंगे। आइए एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाना सीखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें एक लोहे की कील, एक इनामेल लेपित यानी कोटेड तांबे की तार और एक स्विच तथा एक इलेक्ट्रिक सेल की आवश्यकता पड़ेगी। एक नई लोहे की कील जो लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो, उसके ऊपर हम इस कोटेड तांबे की तार को जो लचीला होता है कुंडली के रूप में लपेटेंगे। इस तार के दोनों सिरे स्वतंत्र होने चाहिए, जिसमें तार का एक सिरा सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाएगा और दूसरा सिरा स्विच में जोड़ा जाएगा। स्विच का दूसरा सिरा इलेक्ट्रिक सेल के ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ा जाएगा। जब हम स्विच को ऑन की स्थिति में रखते हैं तो इस कुंडली नुमा तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और यह कुंडली एक चुंबक की भांति यानी मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार कुंडली एक विद्युत चुंबक बन जाती है। जब हम इस विद्युत चुंबक को पतली पतली कागज़ की पिन यानी पेपर पिन के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर पिन्स इस चुंबक में चिपकना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है यह विद्युत चुंबक इन पिन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बच्चों, हम सब चुंबकीय सुई यानी कंपास से भलीभांति परिचित हैं, जिसका प्रयोग हम दिशा निर्धारण यानी डायरेक्शन फाइंडर के रूप में भी करते हैं। यदि हम इस चुंबकीय सुई को किसी ऐसी तार के पास ले जाएं जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही हो तो हम पाएंगे कि इस सुई में विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। और यह तो हम जानते ही हैं कि जब किसी चुंबकीय सुई को किसी ऐसी जगह रखा जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र हो यानी मैग्नेटिक फील्ड हो, यह डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा गुजर रही हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। एक करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस परिघटना को सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था।
अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की भांति कार्य करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल से हम सभी भली भांति परिचित हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक होता है जिसके सहायता से यह घंटी कार्य करती है। विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार को कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। विद्युत चुंबक के पास एक लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच लगा होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इससे कुंडली एक विद्युत चुंबक बन जाती है। कुंडली नुमा इलेक्ट्रोमैग्नेट पत्ती को अपनी ओर खींचता है और पत्ती से जुड़ा हथौड़ा घंटी पर टकराता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जैसे ही विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो परिपथ टूट जाता है और यह हथौड़ा वापस चला जाता है। वापस जाने पर इसका संपर्क पेंच से होता है और यह परिपथ को दोबारा पूरा कर देता है जिससे कुंडली फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बन जाती है और हथौड़ा एक बार फिर घंटी से जाकर टकराता है। यह प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से बार बार दोहराई जाती है और हथौड़ा घंटी से टकराता है और विद्युत घंटी बजती है।